सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, विंडोज 10 के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए हमको जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां पर हमको लिखना है विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, तो जैसे आप विंडोज सिक्योरिटी लिखेंगे ऊपर देखिए ये सिंबल बन करके आ गया विंडोज सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक कर दीजिए तो विंडोज सिक्योरिटी का पेज आपके सामने ओपन हो गया। हमको क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां देखिए नीचे हमको ऑप्शन मिलता है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट्स। ठीक है, ये देखिए यहां पर चेक फॉर अपडेट्स जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस यूजेस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट थ्रेट, वी ट्राई टू ऑटोमेटिकली अपडेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड द मोस्ट रिसेंट इंटेलिजेंस टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस अगेंस्ट द न्यूएस्ट थ्रेट, यू कैन ऑल्सो मैनुअली चेक फॉर अपडेट्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, और अगर मान लीजिए आप चाहें तो इसको आप मैनुअली भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे और ये अपडेट करना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए बोले तो आप कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस को अपडेट करते हैं विंडोज 10 में।